अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको सीरियसली प्रैक्टिकली सबनेटिंग शुरू करने वाला हूँ। इससे पहले मैं जो भी चीज़ें मैं कराना तो चाह रहा था, लेकिन ये थी कि अब बेसिक से मैंने आपको मतलब शुरू करना था, तो हर एक चीज़ मैं आपको को बतानी ज़रूरी है, ज़रूरी थी कि ये चीज़ें अगर आप पहले समझ आएंगे तो आप कर सकेंगे। ठीक है, अब आपको मैं सबनेटिंग क्लास ए बी और सी की कराऊँगा। सबसे पहले मैं आपको सी की सबनेटिंग कराऊंगा। सबनेटिंग ठीक है, मतलब कि सीरियस में आपको सबनेटिंग ही कराऊंगा। ठीक है, आप और कोई इंट्रोडक्शन कोई वगैरह चीज नहीं करूंगा। अच्छा जी, पहले आपको मैं इस क्लास सी की क्यों कराऊंगा, इसमें यह है कि पहले सबसे आसान हम सबनेटिंग जो होती है वो क्लास सी की होती है। क्लास सी की आपको सबनेटिंग कराऊंगा, फिर बी की कराऊंगा, और ए की हो सकता है मैं ना कराऊं, वो आप लोगों को एज अ टास्क दे दूं। ठीक है, क्योंकि मैं दो करा रहा हूँ, एक इंशाल्लाह आप कर ही देंगे। सही, तो मैं आपको सी की कराता हूँ। सी में जब कराना चाहिए, सी में सपोज करें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 192.168.1.55। ठीक है, और आपको ये दिया जाता है कि इसको ना ऐसा करें कि /24 से करें, ये /24 से करें, ये क्वेश्चन आपका। अच्छा, पिछली बार अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर सुने हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो क्लास ए होता है ना, क्लास ए में हमारे पास जो नंबर ऑफ होस्ट होते हैं ना, उनका हमारे पास मतलब कि होस्ट होते हैं, ये मैं आपको हाँ पहले मैं आपको सबसे पहले सपोज करें आपके पास ये क्वेश्चन लिखे, आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि ये किस रेंज में आते हैं। तो 1 से लेके 126 तक ये ए एक आता है, 127 से लेके 196 हाँ ये रेंज में आता है, 192 से लेके 223 ये जो रेंज है ना, ये किस में आ रही है, 192 में आ रही है। 192 किस में आता है, इसे निकाल क्लास सी क्या, और क्लास सी का हमारे पास पैटर्न क्या होता है कि हमारे पास तीन नेटवर्क होते हैं होस्ट। तो मैं इसके बाद में क्या करूँगा, आपने पता क्या करना है, क्वेश्चन के ऊपर जो लिख देना है, जो आप देखेंगे ना आपसे बहुत ज़्यादा आसानी, मैंने आपको जो रोल मैंने आपको बताया है उससे आपकी आसानी होगी। आपने ये कर देना है, ठीक है, क्लास सी का है और ये हमारे पास तीन नेटवर्क है, एक होस्ट है। ठीक है, तीन नेटवर्क और एक होस्ट, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास इतने इसमें क्या होता है, जबकि मैंने आपको बताया था हाँ ठीक है, तीन नेटवर्क है एक होस्ट है। तो जब भी आप क्लास सी का करते हैं ना, तो आप 20 इसका जो डिफॉल्ट होता है वो 24 होता है, 24 होता है। क्लास बी का हमारे पास क्या होता है, 16 होता है, और जो क्लास ए होता है ना उसका हमारे पास 8 होता है। ये जो आपको रूल जो है ना, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया हुआ है कि 8, 16 और 24, और इसी तरह नेटवर्क वाला जो था 7, 14 और 21। लेकिन चूंकि हम सबनेटिंग में सारा काम होस्ट पे करते हैं, होस्ट पे करते हैं, तो इसलिए हम उसके लिहाज से हम इसको देखना होता है। ठीक है, सही। अच्छा जी, क्लास सी का है 24 से इसका शुरू होता है, हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है तो 24। तो हमारे पास अगर हम देखा जाए 24 जो है हमारे पास स्लैश, हमारे पास कितनी है /24 है, तो कितने है +1 है, 24 है +1 है। ठीक है, अब आप कहेंगे क्या मतलब, ये मैं आपको ये पहले क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, इसके बाद मैं आपको 26 वाला कराऊंगा, तब आपको समझ आएगी कि यार ये पहला वाला किस तरह करना है। बल्कि ऐसा करते हैं, मैं आपको पहले 26 वाला करा देता हूँ, 26 वाला 192.168.1.1/26 ये आपको करा देता हूँ। नेटवर्क एक होस्ट है, तीन नेटवर्क है। ठीक है, अब मैंने क्लास सी में हमारे पास क्या होता है, 24 है, जो हमारे पास बेसिक जो जहाँ से इसकी शुरू होती है ना वैल्यू सबनेटिंग की, वो हमारे पास 24 है। इसको कहीं मैं आपको लिख देता हूँ, ये यहाँ पे लिख देता हूँ, 24 जो है ना ये इसकी बेसिक है। इसको देख के आपने इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, 24 जो मैं आप कहता था ना 8, 16, 24, सी में 24, तो ये हमारे पास 24 है। तो अच्छा जी,
26 देखें, 26 और 24 को, 24 में अगर देखें ना, 24, 25 और 25 और 26, दो का आ रहा है, दो का गैप आ रहा है, आ रहा है ना दो का गैप, ठीक है, तो हमारे पास दो का गैप आ रहा है, जितने का गैप आता है ना उसको आप उसकी पावर लिख देते हो, ये गैप हमारे पास आ रहा है, ठीक है, 24 और 26 के बीच में, मतलब 24 माइनस 26 करो तो हमारे पास 2 आता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 रेस अबाउट 2, हमारे पास 4, ये 4 जो है ना नंबर ऑफ नेटवर्क्स है, ठीक है, बाकी कितना बच जाता है, अगर 2 यहाँ पे तो 8 का एक ऑक्टेट होता है वैसे, तो 2 अगर यहाँ पे तो हमारे पास 6 का जो होगा ना वो बच जाएगा, और वो हमारे पास क्या होगा 2 रेस अबाउट 6, सपोज एक मैं ज़रा निकाल लेता हूँ, कैलकुलेटर मैं नहीं लाया, एक्सक्यूज मी, मैं कैलकुलेटर उठा रहा हूँ, अच्छा जी, तो कैलकुलेटर में मैं आपको निकाल के बताता हूँ 2 से पावर 6 क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 से पावर 6 हमारे पास आता है 24 नंबर ऑफ हॉर्स हैं, इनको भी आपको जो मैंने सब कुछ बताया ना पहले दो लेक्चर में, वो मुझे पता आपको समझ नहीं आएगी कि नेटवर्क होते क्या हैं, हॉर्स क्या होते हैं, तो ये अभी भी आपको समझ नहीं आएगी, बस आप इसको एक दफ़ा बस आपको ये देख लें कि ये नेटवर्क्स हैं, चार नेटवर्क्स हैं, चार होस्ट हैं, अभी मैं आपको जब कर रहा हूँ मैं आपको बता दूंगा कि ये होते असल में ये चीज़ें, ठीक है, आपको मैं फिर एक दफ़ा रिवाइज करा दूँ, क्योंकि रिवाइज करने के बाद ना करें तो बंदे को फिर देखना पड़ता सारा लेक्चर, हमारे पास ये एड्रेस है, एड्रेस से हम देखेंगे कि ये किस रेंज में आ रहा है, 192 है, तो 192 का मतलब है ये सी क्लास में आ रहा है, ठीक है, मैं सी क्लास का देख लिया, सी क्लास का जो हमें पता चल गया था, हमने उसको पैटर्न खास देखा कि तीन नेटवर्क होते हैं, एक होस्ट होता है, वो हमने पैटर्न लिख दिया, उस पैटर्न लिखने के बाद हमसे हमको पता चल जाता है कि क्लास सी में हमारा 24 से शुरू होता था, बेसिक हमारा 24 है, अब हमने देखना है कि स्लैश कितने की दी हुई है, यहाँ पे स्लैश 26 दिए हुआ और हमारा शुरू होता है 24 से, तो ये 24 जो है ना 26 से कितना दूर है, 26 24 से कितना दूर है, 2 का दूर है, जितने का दूर होता है ना, जितने का उसका डिफरेंस होता है, तो वो हम उसकी उसको 2 की पावर लिख देते हैं, हमने इसको इसके 2 की पावर लिखी तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास उतने नंबर ऑफ नेटवर्क्स होंगे, ठीक है, और हमारे पास जो बच जाता है ना, देखें अगर 8 का ऑक्टेट होता है तो 2 हमने इधर दे दिए, तो बाकी क्या 8 में से 2 निकालो तो 6 बच जाते हैं, तो हमारे पास बाकी 2 की पावर 6 करेंगे तो हमारे पास इतने नंबर ऑफ होस्ट आ जाएंगे, ठीक है, ये आपको समझ आ गई, अच्छा जी, अब हम आगे इस क्वेश्चन को फर्दर लिखते हैं या फर्दर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अच्छा सही है, हमारे पास कितनी बिट्स हैं, 2 बिट्स हैं, तो हमारे पास ये हम इस होस्ट की बात करें, इसमें से एक बिट्स इधर जाएंगे, इसकी बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, ठीक है, 8 है, ये हमारे पास कितना था, 26 था, मतलब कि 2 का डिफरेंस था, तो हमने पता क्या करना है, हमने असल में इसको हम ये कर ये लिखते हैं 2 रेस के पावर 0, 2 रेस के पावर 1, 2 रेस के पावर 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये हम लिखते हैं, उसके में जो वैल्यूज़ है ना वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 128, अच्छा मतलब कि 2 रेस के पावर 0 का था, 1, 2, 4, 8, 16, 32 डबल, असल में डबल कर रहा हूँ, 32 और 32 का 2 डबल क्या होता है, 64, ये हर एक ऑक्टेट का ही बना हुआ, ठीक है, हर एक का ही, सही है, अब हमने क्या, हमारे पास क्या, हमने जो 26 था ना 2 का डिफरेंस था, तो हमने पता क्या करना है, 2 का डिफरेंस है तो हमने जो 8 में से जो 2 बाइट्स है ना, 2 ये इनको ऐड कर देना है, इसको मैं ऐड करता हूँ ज़रा कैलकुलेटर से, 128 प्लस 64 हमारे पास आंसर आता है 192, अच्छा जी, इनको ऐड किया तो हमारे पास क्या है, 192 हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है, अब हमने पता क्या करना, ये टोटल हमारे पास एक जो टोटल ऑक्टेट है उसको हम जब प्लस, इस सारों को जब हम प्लस करेंगे ना, इस सारे को जो प्लस करते हैं, इस सारे को प्लस करते हुए हमारे पास 256 आंसर आता है, ठीक है, हमारे पास दो हैं, मतलब कि 2 नंबर ऑफ 26 है ना, तो हमारे पास 2 का डिफरेंस आ रहा है, उस 2 में से हमने पहले 2 को ऐड कर दिया, 192 आ गया, और टोटल हमारे पास 256 है, तो हमने क्या करना है, 256 माइनस 192 है कि 192, ठीक है, 192 माइनस करेंगे, देखते हैं आंसर क्या आता है, 192, ठीक है, 256 माइनस 192, सो हमारे पास 64 आंसर आ रहा है, 64,
ठीक है, हमारे पास कितना आंसर आ रहा है, 64 आंसर सही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लिखा है ना, इस ये अगर डायरेक्ट कर लेंगे ना तो हमें ये स्टेप नहीं करना होता, लेकिन ये हमारे लिए सिर्फ क्लास सी सी तक ये चीज़ वैलिड है। अगर हम क्लास बी में जाएंगे तो वो फिर आप इस तरह अगर करेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्लास सी तक वैलिड है। अभी देखिए मैं ये 64 निकाला ना, ये और ये देखिए ये नंबर ऑफ होस्ट है हमारे पास 64, ठीक है, और ये हमारे पास 2 × 4 नंबर ऑफ नेटवर्क्स हैं। इससे अब मतलब क्या है, अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसे मैंने आपको बताया, मैं आगे आपको समझाऊंगा, समझ आएगी, ठीक है। मैं आपको ना इसको असल में ना ये करता हूँ, और यहाँ से मैं आपको ये शुरू करता हूँ, ठीक है, करते ना ऊपर ले जाते हैं। अच्छा, हमारे पास क्या आंसर है, 64 आंसर है, ठीक है। 64 क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ होस्ट हैं, और 4 हमारे पास नंबर ऑफ नेटवर्क है। नंबर ऑफ नेटवर्क से क्या मुराद है, मैं बताता हूँ। आपने आपको ये अंदाज इस चीज़ से आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि आपने 4 नेटवर्क बनाने हैं। 4 नेटवर्क से मुराद क्या है, 0 0 होगा, और यहाँ पे कुछ यहाँ भी समथिंग होगा, 2 3 4, मतलब कि आपने 4 को चीज़ बनाई, 1 2 3 4, इससे ये मतलब है कि आपने 4 नेटवर्क बनाए, 1 2 3 4, ये तो आपको समझ आ रही है, ठीक है। 64 से क्या मतलब है, 64 से मतलब है कि इन चारों के बीच में 64 का आपको ऐड करना होगा, मतलब कि 64 आ इसके अंदर होस्ट आ रहे हैं, मतलब कि अगर यहाँ से मैं करूँ ना, 0 से लेके हमारे पास आएगा 63 का, इसके अंदर 0 से लेके 63 तक आई पी एड्रेसेज आ रहे हैं, ठीक है, 0 से लेके 63 तक आई पी एड्रेसेज आ रहे हैं, सही है। 64 के अगर देखें 63 की और, क्योंकि 0 को हम कंसीडर कर रहे हैं ना, 0 प्लस अगर आप 63, वैसे तो 64 हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन 0 से शुरू करते हैं तो हमारे पास वो साथ ऐड करते हैं तो 64 हो जाता है, ठीक है। और अभी मैं ज़रा वो कैलकुलेटर निकाल के बाकी निकालता हूँ कि अगर मैं 63 प्लस 64 करता हूँ, हमारे पास 127 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या 127, और ये यहाँ पर इसके आगे यहाँ पर 64 आएगा, ठीक है, यहाँ 1% यहाँ होगा 128 होगा, ठीक है। कैलकुलेटर से और ऐड करता हूँ कि 127 प्लस प्लस 64 करूँगा तो 191 आ रहा है, 191 आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास 192 होगा, और हमारे पास 256 होगा, ये क्या होगा, 191 प्लस 64 255, ठीक है, ये है। इससे आपको क्या समझ आइए, देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 4 नंबर ऑफ नेटवर्क हैं, 4 नंबर ऑफ नेटवर्क से क्या मुराद है, 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ नेटवर्क से 64 होस्ट से क्या मुराद है कि इसके अंदर देखिए 0 से लेके 63 तक 64 होस्ट आ रहे हैं, फिर इसके अंदर फिर हमने 64 ऐड किया तो ये 127 आ रहा है, फिर इसके अंदर हमने फिर 64 ऐड, इसके अंदर फिर 64 ऐड किया तो 191 आ रहा है, 191 के अंदर फिर 64 ऐड किया तो हमारे पास ये आ रहा है। अब आपको समझ आ गई होगी कि नंबर ऑफ नेटवर्क्स के और होस्ट का क्या मतलब है, ठीक है। ये नेटवर्क 4 नेटवर्क हैं और इसके अंदर हर एक के अंदर 64 होस्ट हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता है जी वही काम जो कि अब आसान ज़्यादा आसान हो गया होगा कि जो मैंने नेटवर्क एड्रेस निकाला था निकालना सिखाया था, ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालना सिखाया था, और आपको फर्स्ट होस्ट आई लास्ट होस्ट आई और सबनेट मास्क। अब मैं आपको जल्दी जल्दी निकालता हूँ क्योंकि ये पार्ट हमने पहले भी उसमें टाइम ज़्यादा लगाया था, इसमें आपको जल्दी जल्दी निकालता हूँ, निकाल के बताता हूँ। नेटवर्क एड्रेस हमारे पास क्या है जी, नेटवर्क एड्रेस ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है। नेटवर्क एड्रेस हमारे पास होगा जी, ये हमारे पास सी क्लास है तो हमारे पास नेटवर्क सेम आता है, क्या हमारे पास 192.168.1, ठीक है, ये सेम आ गया नेटवर्क में, रूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, ये सेम आता है लेकिन ये मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, ये मैक्सिमम हो गया। अब हाँ, इसमें एक और बात, चलिए मैं पहले आपको ये करा दूँ, इसमें एक और बात जो है वो ये है कि अच्छा ये नेटवर्क एड्रेस ब्रॉडकास्ट फर्स्ट होस्ट आईडी में क्या होगा, सिंपली आप इसमें +1 कर दें, और लास्ट होस्ट आईडी में क्या होगा, -1 कर दें। सबनेट मास्क में क्या होगा, सबनेट मास्क में ये होता है कि नेटवर्क मैक्सिमम हो जाता है, और ये जीरो होता है, ये सबनेट मास्क। अच्छा ये क्वेश्चन, अच्छा सर सर इसमें आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप जो है ना इस आईपी को, आप इस आईपी के आप जो है ना क्या कहते हैं नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालें, लेकिन
आप जो है ना आपके पास जो नंबर ऑफ नेटवर्क्स आ रहे हैं ना उसमें से आप सर आपको कहेंगे या तो पहली की निकाल दो, दूसरी की निकाल दो, तीसरी की निकाल दो या आखिरी की निकाल दो। इस जब इसके लिहाज से आप निकालेंगे ना तो वो यहाँ पे थोड़ा चेंज आएगा। किस तरह मैं आपको बताता हूँ कि वो चेंज किस तरह आएगा। अब हमने देखें जब नेटवर्क एड्रेस सर में कहते हैं कि निकालो जो हमारे पास नेटवर्क आता है इसके नेटवर्क का जो पहला है ना उसका निकालो, उसका जो पहला नेटवर्क एड्रेस निकालूंगा तो क्या आएगा, काम वही है कि वो चीज़ें सारी सेम है, ये वही सेम है क्योंकि जीरो से शुरू हो रही है, ठीक है। लेकिन ब्रॉडकास्ट एड्रेस में पता है क्या होगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस में, ब्रॉडकास्ट एड्रेस में हम लिखते होते हैं मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मतलब कि वो काम वही 192.168.1. क्योंकि यहाँ पे हम 255 लिखा था ना, लेकिन यहाँ पे सर ने अगर आपको कहा है कि उसको जो नेटवर्क है उसकी उसकी पहली का मैक्सिमम निकालें तो इसका मतलब है कि ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, तो हम यहाँ पे ये 63 निकालेंगे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये नेटवर्क एड्रेस बॉर्डर इसी तरीके से इसके जो फर्स्ट होस्ट आईडी और लास्ट होस्ट आईडी भी चेंज हो जाएंगे। किस तरह से, फर्स्ट होस्ट आईडी में ये होगा कि ये हमारे पास 1 हो जाएगा और ये हमारे पास 62 हो जाएगा, मतलब यहाँ प्लस 1 करेंगे यहाँ पे माइनस 1 करेंगे तो ये हमारे पास 62 हो जाएगा। अगर आपको सर कहते हैं कि पहले के बजाय दूसरे का निकालो तो आप किस तरह करेंगे, आप ये करेंगे कि आपने यहाँ नेटवर्क एड्रेस में आपने यहाँ पे 0 को बजाय 64 लिख देना है और यहाँ पे आपने ब्रॉडकास्ट में 255 के बजाय आपने यहाँ पे 63 है ना तो आपने 63 के बजाय यहाँ पे 127 लिख देना है, सिर्फ ये चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। ये आपको मैं समझा दी। अब मैं अगर इसमें सबनेट भी हो गया है ठीक है, ये अगर आपको कोई ना कोई कंफ्यूजन वगैरह होती है तो आप ज़रूर उसको सर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। ये जैसा मैंने आपको ये थोड़ी कुछ चीज़ें वगैरह हो सकता है मैं अपने यहाँ से सही बोल रहा हूँ लेकिन उसमें गलतियाँ वगैरह हो सकती हैं, ठीक है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि आपको मैं एक और अगर क्वेश्चन में करा दूँ इसका क्लास सी का, अगर एक और क्वेश्चन करा दूँ ठीक है। हाँ, जैसे मैं आपको 26 कराया ना, मैं 24 कराना भूल गया था, हमने क्या चीज़ें डालनी है ठीक है, ये सब चेंज करना है। ये हमारे पास सपोज करें 24 ऐसे में होता है डिफ़ॉल्ट, ये करना लिखा हो तो उसमें 24 है ना, तो मतलब क्या होता है 24 है तो मतलब कि 20 अगर हम 24 तो 25 का हम लेते हैं 23 24 25। अच्छा ये देखिए 25 है। अच्छा इसको मैं 30 में भी लेके जा सकता हूँ, अगर आप कहें तो मैं 30 चलो 30 से बड़ी करा दूँगा, छोटी से मैं 26 करा दूँगा 30 करा दूँगा। कितने का आ रहा है डिफरेंस, 24 में से 30 मतलब कि 24 है ना, 25 26 27 28 29 30 6 का आ रहा है डिफरेंस, ठीक है 6 का आ रहा है डिफरेंस। तो 6 के डिफरेंस हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, 6 का डिफरेंस आ रहा है 2 की पावर 6 कितना होता है, पिछली बार मैंने निकाला था क्या था, हाँ 64 है, 64 नंबर ऑफ नेटवर्क्स होंगे, याद रखिएगा 64 नंबर ऑफ नेटवर्क्स। इससे क्या मुराद है, 64 नंबर ऑफ नेटवर्क से मुराद है कि ये कभी मैंने विचार रखे ना तो इनमें 64 बनाने पड़ेंगे इतने ज़्यादा, ठीक है। बनाऊंगा नहीं, मैं आपको समझा दूंगा अभी, बाकी कितना रह गया, 6 8 का ऑपरेटर 6 हो गया ना तो 6 है ना तो 7 8 दो दो नंबर ऑफ होस्ट होंगे, 4 4 नंबर ऑफ होस्ट, मतलब कि 64 64 इसके अंदर होंगे हमारे नेटवर्क होंगे और हर एक नेटवर्क के अंदर हमारे पास 4 का गैप होगा, ठीक है ये सही है। अब हमने यहाँ पे 6 का है ना तो 6 का हमने देखना है, यहाँ पे हम 2 का देखा है, अब 2 के बजाय मैंने इसको 6 का देखना है, 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ठीक है। ये अब इनको हमने ऐड करना है, इनको ऐड करता हूँ जल्दी से, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 ये हमारे पास सर है 252 आ रहा है और बाकी हमारे पास सारे 256 हैं, तो हमने क्या करना है सिंपल ये जो है ये यहाँ पे हमने लिखना है 252 तो ये आंसर मेरे ख्याल में 2 ये लेकर लिखना 252 है 2 3 4 5 6 4 हाँ ठीक है ये निकालना चाह चाहिए था 4 आ रहा है ठीक
क्या चीज डिफरेंस क्या होगा? आए आएगा, अब वो बात नहीं है। चार है, मैंने आपको क्या बताया 64 नंबर नेटवर्क होंगे। किस तरह पता चलेगा? यहाँ से एक तो हमने यहाँ से ये निकाले नेटवर्क का, ये भी एक ये एक शॉर्टकट पे ही है ना, लेकिन मैं आपको बताऊँगी ये बी क्लास में किस तरह पर डिफरेंस करता है। जैसे अभी सी क्लास में बात हो रही है तो 64 है हमारे पास, 0 से लेके 64 तक नहीं जाना, कितने हैं? 4 है, 0 से लेके 3 तक, मतलब कि इसके अंदर 4 का आर है, यहाँ पे क्या है 4 3 4 जमा 4 8 8 0 से 3 3 जमा 3 जमा 4 7 ग्यारह ग्यारह। अब मैं आपको बताता हूँ ये 8 है, यहाँ पे 12 आ जाएगा। मैं सारा तो नहीं चलूँगा, मैं आपको वैसे ही थोड़ा सा बता देता हूँ। 51 अच्छा जी, ये देखें हमने कितने बनाने, 64 इस तरह मानी है, 4 की डिफरेंस से 64 लेने इस तरह मानी है 64। अब वो आप पता क्या करते हैं, अगर आप ज़्यादा नहीं रहते तो आप ये लाइनें वगैरह लगा देते हैं, और जो आखिरी होती है ना, आखिरी हमारे पास क्या आती है 255 थी, 255 में से मैं 4 माइनस करता हूँ, 255 माइनस 4 251, जो आपकी आखिरी होगी ना वो हमारे पास क्या है 251 है। जैसे चार बैठ रहा, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क जो है ना वो जितनी लाइनें हैं वो हमारे पास कितनी है 64 आएंगी। ये देखिए मैं 64 लिखना शुरू कर दूँ तो वो सारा वाइट बोर्ड ही बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो 64 आ रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है 4 का आ रहा है, सही है। ये मैंने आपको सीधी करा दी। अब इसका नेटवर्क एड्रेस निकालना है ब्रॉडकास्ट। अच्छा जी वही बात आई, अगर आपने इसकी निकालते हैं ना, इसकी निकालते हैं तो वही आपको मैंने तरीका बताया हुआ है कि इसकी निकाल के किस तरह करनी है। हाँ अगर सर आपको कहते हैं कि इसके 1 2 3 अगर इसके चौथे की नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालने हैं तो फिर आपने चौथे का निकालना है। आपको मैंने बताया ना कि ये नेटवर्क एड्रेस में हमारे पास ये 0 के बजाय हमारे पास ये 12 आ जाएगा, बल्कि मैं आपको इसकी बता रहा हूँ, ठीक है, चौथे की इस आई पी एड्रेस के चौथे की रेंज में आपको बता रहा हूँ नेटवर्क एड्रेस, ठीक है। इसका नेटवर्क एड्रेस हमारे पास क्या है, नेटवर्क हमारे पास सेम आ जाते हैं 192.168.1. लेकिन हमारे पास जो ये है ना ये 0 के बजाय क्या आएगा 12, नेटवर्क ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा डॉट। अभी हमारे पास ये जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है ना ये फुल आता है, फुल हमारे पास क्या है यहाँ पे ये 15। सर फर्स्ट फोर्स आईडी क्या होगा यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, लास्ट फोर्स आईडी माइनस 1 हो जाएगा, सबनेट मास्क जो होगा उसी तरह सिंपल रूल जो मैंने आपको बताया होगा देना, ठीक है। ये इसके इसका है, ठीक है ना, चौथे नेटवर्क का, ठीक है ना, इसके नीचे चौथे नेटवर्क का। अगर सर आपको कहते हैं कि इसका निकाल के बताओ तो आपने इस तरह निकाल देना, अगर आपको कहते हैं कि सिंपल उसका निकाल के बताओ तो मैंने आपको बताया कि किस तरह बनाया। यहाँ पर सर से ज़रूर पूछने, अगर कुछ ना लिखा हो कि पहले का निकालना है चौथे का निकालना है तो आप सर से पूछें, तो फिर आपको मतलब कि मैंने तो ये कि मेरी बार तो ये था कि मैंने इसका भी पहला लिख दिया था और इसका भी लिख दिया था और जो इसका जो पहला ना वो भी लिख दिया था, मैंने दोनों लिख दिए थे, ठीक है ना, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सा करूँ तो मैंने दोनों लिख दिए थे, ठीक है। अब ये सबनेटिंग हमारे पास क्लास सी की है, अब अगले ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह मैं आपको क्लास बी की कराऊंगा। थैंक यू।